हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर्स बीएफएफ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ स्विस ब्यूटी मेटालिक लिक्विड आई शेडो का। इसके टोटल 5 सेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। ये आपको इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट तक पहुँच सकें। ये पार्टी लुक के लिए काफ़ी अच्छा आई शेडो है। ये आपको एक ग्लिटरी लुक देता है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग आई शेडो है। ये आपके आई लिड पे काफ़ी टाइम तक टिका रहता है। ये हाईली पिगमेंटेड आई शेडो है। इसका एक स्ट्रोक ही काफ़ी है आपको परफेक्ट कवरेज देने के लिए। आपको इसके नीचे किसी भी तरह का प्राइमर या पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्टली अपने आई लिड पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा कवरेज देगा। ये आपको एक रेडिएंट शिमर फिनिश देता है। ये ट्रांसफर प्रूफ है, स्किन फ्रेंडली है। इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल परफेक्ट मेकअप लुक मिलता है। इसकी MRP है 178 रुपीज़। इसका साइज थोड़ा स्मॉल है पर ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा आई शेडो है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी पैकेजिंग एक क्यूबिक बॉटल में है, तो इसको मैं पहले ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसमें हमें एक स्पॉन्जी टिप एप्लीकेटर मिल जाता है जिससे हम इजीली इसको डायरेक्टली अपने आईलिड पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें किसी ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, एक ही स्ट्रोक में ये काफ़ी अच्छा कवरेज दे रहा है। आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से ब्रश या फिंगर टिप से स्प्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीका दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल आपको ग्लिटरी लुक देगा। ये लगाने पे 30 सेकेंड में ये ड्राई हो जाता है। ये फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी आई शेडो अगर हम लगाते हैं ग्लिटरी वाला तो वो हमारे चिक्स पे गिर जाता है, तो ये उस तरह से फॉल आउट नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है पर उतना तो चलता है। इसके टोटल 6 शेड अवेलेबल है मार्केट में। ये मेरा शेड नंबर 1 है, गोल्डन गुडनेस। मुझे सारे शेड्स में ये सबसे अच्छा लगा। मैं बाकी शेड भी आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ। लेट्स चेक आउट द अदर शेड्स। इसको अप्लाई किए हुए मुझे 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, तो अब चेक करते हैं ये ट्रांसफ़र प्रूफ है या नहीं। ये मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, पहले हम डैप करके थोड़ा देखते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब इसको रब करके देखते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ है। सो ये काफ़ी अच्छा आई शेडो है इस रेंज में। हाँ, इसकी पैकेजिंग इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, ये साइज़ में बहुत छोटा है, पर ओवरऑल ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। स्मच प्रूफ भी है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। ये आपको एक ओपिक फिनिश देता है। सो ये थी मेरी रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके साथ एक नए प्रोडक्ट की रिव्यू लेकर आऊँगी। टिल देन, बाय बाय।